एप्लीकेशन फॉर इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन व गाइडलाइन को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट किस तरह से भरा जाता है। यदि कोई व्यक्ति उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस पर निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर है जिसमें वह एक निर्वाचक के रूप में एनरोल्ड है, तो वह व्यक्ति फॉर्म 12A में EDC के लिए आवेदन कर सकता है और उसे EDC फॉर्म 12B में जारी किया जाता है। EDC उस व्यक्ति को उसी निर्वाचन क्षेत्र के दूसरे मतदान केंद्र में अपना वोट डालने के लिए अधिकृत करता है जहां वह निर्वाचन ड्यूटी पर हो। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट फॉर्म 12A का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि विधानसभा का निर्वाचन हो रहा है तो क्रमांक और नाम लिखा जाएगा। लोकसभा निर्वाचन की स्थिति में क्रमांक और नाम लिख देंगे। इसके बाद जो व्यक्ति EDC मांग रहा है उसका नाम सरनेम आएगा। फिर हम लिखेंगे कि उसे किस पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी पर रखा गया है और फिर लिख देंगे कि एक्चुअल में वो किस निर्वाचन क्षेत्र की किस पोलिंग स्टेशन पर, यानी कि किस निर्वाचक नामावली की किस भाग संख्या पर और किस क्रम संख्या पर उसका नाम है। फिर यह EDC सर्टिफिकेट किस पते पर भेजा जाए उसकी जानकारी लिखी जाएगी और अंत में जो व्यक्ति EDC मांग रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, स्थान लिखा जाएगा और तारीख लिखी जाएगी। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का फॉर्म 12B आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी आवश्यक एंट्री की जाएंगी, इलेक्टर का नाम लिखा जाएगा, विधानसभा या संसदीय मामले में जिसके लिए भी इलेक्शन हो रहे हैं वह लिखा जाएगा। फिर हम लिखेंगे कि किस निर्वाचन क्षेत्र से वह निर्वाचक है, निर्वाचक नामावली का संख्यांक क्या है, ये सब एंट्री करते हुए फिर अंत में रिटर्निंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर करेंगे, सील लगाएंगे। इस वीडियो में हमने निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र यानी कि इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लेरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।